हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है और अगर इसको समझ गए तो लूप आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ हेडर फाइल बनाया गया है, ये हेडर फाइल है सी लैंग्वेज की। तो हैश इंक्लूड stdio.h ये मैंने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे इंट मेन लगाया, जब भी इंट मेन लगाएंगे तो रिटर्न में जीरो आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर सिर्फ मेल लगाते हैं तो भी रिटर्न करवा सकते हैं, अगर नहीं भी करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ सीधा फॉर लूप लगा लिया है, ठीक है। अब फॉर लूप के ही अंदर एक वेरिएबल बनाया आई नाम का, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट टाइप का है, और इसका इनिशियल वैल्यू क्या है, वन है। आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव किया है और यहाँ आई प्लस प्लस, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट। इसे क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट कहते हैं। और फिर परसेंट डी करके बैकस्लैश एन लगाया क्योंकि लाइन चेंज होती रहे और यहाँ आई को प्रिंट करवा दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में पहले वन प्रिंट होगा, फिर टू थ्री फोर फाइव भी प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको चलाते हैं, सेव तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, इसको एक बार चलाते हैं, कंपाइल करवाते हैं, देन यहां से रन करवाते हैं। तो रन करवाया तो 1 2 3 4 5 ही प्रिंट होता हुआ आपको मिलेगा। चलिए इसमें कुछ चेंजेस करते हैं कंडीशंस में, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर मैं चेंज कर देता हूं, केवल लेस देन कर देता हूं, तो 5 नहीं प्रिंट होगा, ये 4 तक ही प्रिंट होकर रह जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं सेव करके, तो यहां कंपाइल करवाया देन यहां से रन करवाते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे सेम वही चीज होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब जब भी इसमें चेंज करेंगे जो भी अब जैसे मान लीजिए यहां पर मैं 5 से स्टार्ट करना चाहता हूं, तो यहां 5 कर दूंगा और यहां पर अगर 10 कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पे लेस देन 10 है, लेस देन 10 यानी 9 तक, यानी 5 से लेके 9 तक ये चलेगा तो 10 तक, लेकिन 9 तक ही ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर आए, अब देखिए 5 से लेके 9 तक प्रिंट हो रहा है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे करना। अच्छा, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, आई में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसे कंडीशन में क्या यहां पर रिजल्ट आएगा, इसको भी देख लिया जाए एक बार। तो यहां से सबसे पहले कंपाइल देन यहां से रन करवा लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई करके ये दे दे रहा है, देखिए यहां पे 10 12 14 16 18। अब बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि यहां पर लेस देन 10 दिया गया है तो क्यों ये 10 12 14 16 और 18 प्रिंट कर रहा है। तो यहां जब नीचे आइएगा तो यहां पर आप देख पाइएगा कि यहां पे प्रिंटफ लगाया गया और कहीं भी ये नहीं दिया गया, यहां पे तो इंक्रीमेंट होते रहे होते रहे। यहां पर ये कंडीशन जरूर दी गई है कि आई की वैल्यू लेस देन 10 रहे, लेकिन ये तो दिया नहीं गया है कि आई को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और उसका रिजल्ट नहीं प्रिंट करवा सकते। तो आई की वैल्यू तो वही रह रही है, ठीक है, आई की वैल्यू तो 5 6 7 8 9 ही रह रही है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा, 7 × 2 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यही तो हो रहा है, ठीक है।